तो आज हम लोग बना रहे हैं एक एक्वेरियम, और उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी सिलिकॉन, जो कि हमने खोल लिया है, और ये कांच की बेस है, ये दोनों साइड वॉल, ये इधर की साइड वॉल है वो, और एक टेप, गन। बस अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए, ये हम लोग एक छोटा सा एक्वेरियम बना रहे हैं अपनी बीटा फिश के लिए, जो कि है, इसका बेस है 6x12 इंच, साइड वॉल दोनों साइड की 12x12, और ये 6x12। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग, और इसके लिए टेप, गन, सिलिकॉन और कांच। नीचे शुरू करते हैं तो बीटा फिश का जार जो अभी हम लोगों ने बनाया, इसको बनाने में करीब हम लोग को लग गया 1 घंटा तो लग गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने अलग सा, आपको दिख रहा होगा ये सब, ये पार्टीशन लगाया मैंने, ताकि इसके अंदर एक कांच, ये जैसे रखा है, इसको ब्लैक स्क्रीन लगवा के और इसमें डालेंगे, और इसमें दोनों साइड अलग अलग बीटा को रखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह का हमारा तैयार हुआ है 12x6 इंच का। अब ये इसको 8 से 10 घंटे सूखने के लिए रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 से 6 घंटे इसमें पानी भर के रखेंगे, उसके बाद इसमें मछली रखते हैं, तो आपको फिर दिखाते हैं मछली डालने के बाद। थैंक यू। तो ये इसमें हम लोगों ने छोड़ दी है अपनी हाफ मून बीटा, जो कि ये है, इसकी वजह से आपको दिखने में थोड़ी, और मैंने अपने दूसरे एक्वेरियम से बिल्कुल लगा के उसी की हाइट का बनाया और उसके साथ लगाया। ये देखिए, ये है हाफ मून बीटा, बहुत ही प्यारी है और इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये एक
बहुत ही अच्छा एक्वेरियम बन चुका है। तो देखिए और आप भी बनाइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरजीज ब्लॉग। थैंक यू।